गलती होने पर सुधार और प्रयासित जरूरी। अरुण दिव्यापुर नगर के बहेरे वाली पुलिया राणा नगर में आयोजित श्रीमद भागवत कथा के दूसरे दिन सोमवार को कथा का वर्णन करते हुए आचार्य अरुण मिश्रा ने कहा, मनुष्य से गलती हो जाना बड़ी बात नहीं, लेकिन ऐसा होने पर समय रहते सुधार और प्रयासित जरूरी है। ऐसा नहीं हुआ तो गलती पाप की श्रेणी में आ जाती है। कथा व्यास ने पांडवों के जीवन में होने वाले श्री कृष्ण की कृपा को बड़े ही सुंदर ढंग से दर्शाया। कहा कि परीक्षित कलियुग के प्रभाव के कारण ऋषि से श्रापित हो जाते हैं, उसी के पश्चाताप में वह सुखदेव जी के पास जाते हैं। भक्ति एक ऐसा उत्तम निवेश है जो जीवन में परेशानियों का उत्तम समाधान देती है, साथ ही जीवन के बाद मोक्ष भी सुनिश्चित करती है। कथा व्यास ने कहा कि द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने सूर्यदेव की उपासना कर अक्षय पात्र की प्राप्ति किया। हमारे पूर्वजों ने सदैव पृथ्वी का पूजन व रक्षण किया, इसके बदले प्रकृति ने मानव का रक्षण किया। उन्होंने कहा, भागवत के श्रोता के अंदर जिज्ञासा और श्रद्धा होनी चाहिए। परमात्मा दिखाई नहीं देता, वह हर किसी में बसता है। इसके पूर्व समिति के सदस्य व परीक्षित वीरेंद्र सिंह यादव ने व्यासपीठ का पूजन किया। इस अवसर पर आयोजन समिति के राम कुमार अवस्थी, बद्दू श्याम बाबू शर्मा, अरविंद बिश्नोई, कुलदीप पोरवाल, श्री कृष्ण राजपूत, विशुन दयाल पोरवाल आदि मौजूद रहे।